जी हाँ, मैं हूँ जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और उल्वे में आज एक दुर्घटना बड़ा रूप लेते लेते टल गई। जी हाँ, सेक्टर 9 में हुई ये घटना थी। एक टेम्पो और कार में भिड़ंत हुई और टेम्पो पलट गया। हालांकि जिस वक्त हमारी न्यूज हम वहां पहुंचे उस वक्त तक टेम्पो को सीधा कर चुकी थी, वहां पे पुलिस भी आ गई थी और कार का जो है वो हाल देख के आप समझ ही सकते हैं कि कितना बुरी तरह से वो एक्सीडेंट हुआ था। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अंदरूनी सड़क समझ के गाड़ियों को तेज ना चलाएं, ड्रंकन ड्राइविंग ना करें, क्योंकि इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। और हमें खुशी इस बात की है कि हम आपके लिए हर दिन कोशिश करते हैं कि कुछ नया अपडेट लेके आए, कुछ नई बात लेके आए। सिर्फ सुशांत सिंह आजकल देख रहे हैं मीडिया में, सिर्फ सुशांत सिंह के बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है, अब सुशांत सिंह का केस सीबीआई लड़ेगी, लेकिन बार बार जो कुछ मीडिया जो प्रूव करे जा रहे हैं वो सही नहीं है, कि जिससे हो सकता है कि आगे की कड़ी टूट जाए। जी हाँ, तो आइए आपको दिखाते हैं उल्वे में जो एक्सीडेंट हुआ सेक्टर 9 में। और सेक्टर 9 में ये देखिए गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है और ये गाड़ी है, ये भी देखिए, ये टेम्पो था, पूरा पलटी हो गया था। टेम्पो क्या आपका पूरा पलटी हो गया था? हाँ, टेम्पो पूर्ण पलटी जाले लगा। हाँ, कैसे जाला एक्सीडेंट? अरे मारला तो स्पीड लाला ही तो टिकट में। तो पुलिस बन आए, पुलिस दक्षता घेते है। और यहाँ पे पुलिस भी पहुँच चुकी है, यहाँ आप देख रहे हैं पुलिस पहुँच चुकी है। अब ये मैटर पुलिस के पास चला गया है। ये टेम्पो पलटी हुआ, पिया हुआ ड्राइवर लग रहा है पुलिस का ऐसा कहना है। और ये गाड़ी आप देख सकते हैं, ये नावा शिवा पुलिस के हाथ में हुआ है। जी हाँ, नावा शिवा पुलिस यहाँ पे मौके पर तुरंत पहुँच गई है एक्सीडेंट होने के बाद। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से ये किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो ये सेक्टर 9 का, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक्सीडेंट हुआ है। ये कार है और जो टेम्पो आप सीधा देख रहे हैं, ये टेम्पो पूरा पलट गया था। और इसको टेम्पो को सीधा करने के लिए वो जो जेसीबी या बुलडोज़र जो भी आप कहें वो उसको बुलाया गया और उससे वो सीधा हुआ है ये टेम्पो। लेकिन यहाँ पे कहने वाली बात ये है कि अंदर की रोड समझ कर जो तेज़ गाड़ी चलाते हैं या ड्रंकन ड्राइविंग करते हैं वो नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं नवी मुंबई पुलिस यानी नावा शिवा पुलिस जो है वो इंक्वायरी कर रही है। और उन्होंने ड्राइवर को जो है, ये प्रथम दर्शी उनका कहना था कि ड्राइवर इज ड्रंक। अब आगे देखना ये है कि वो क्या होता है। पुलिस ने हालांकि मामला दर्ज कर लिया है और ये पुलिस स्टेशन की तरफ इस मामले को ले गए। लेकिन दर्शकों से मेरा ये कहना है कि आप लोगों को सावधानी बरतनी है, खास करके उल्वे की अंदरूनी रोडों पे या बाहर की रोड जो भी हाईवेज हैं, क्योंकि बरसात के दिन है, ब्रेक नहीं लग पाते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो गाड़ी कंट्रोल करने के लिए आपको मुश्किल में डाल सकती हैं। तो कृपया सावधानी बरतें, सेफ ड्राइव करें, नो ड्रंक ड्राइविंग। जैसा कि कहा गया, इतना साल की शुरुआत सड़क सुरक्षा से हुई थी और लेकिन ये कोरोना का बीच में आ गया, COVID-19, और उस वजह से बहुत कुछ हमने, हमारे देश ने, हमारे विश्व ने और हमारे राज्य ने बहुत कुछ खोया है। जी हाँ, नौजवानों ने नौकरियां खोई हैं, इकोनॉमी प्रॉब्लम हुई है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, फीस भरने के लिए बच्चों के पैसे नहीं है। और ऐसी सब आपदा में यदि कोई गाड़ी चलाता है और वो गाड़ी केयरलेसली चलाता है तो ये बहुत ही शर्म की बात है। जी हाँ, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और यदि आपको पत्रकारिता चाहिए, चाटुकारिता नहीं चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का लाल बटन दबाइए और घंटी का बेल ऑन कीजिए।